सो हेलो एंड वेलकम तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जो साइंस पेपर जो हुआ था उसका सेट सी का वन मार्क्स और टू मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर जो है हम लोग डिस्कस जो है करने वाले हैं ठीक है थीके? तो सेट सी है ये आपके साइंस पेपर का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो एम में कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द अब फूड चेन ये जो फूड चेन आपको दिया हुआ है इसमें जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है सन है सन है या ग्रीन प्लांट्स हैं या डियर या लायन हैं तो देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो सन होता है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो तो सन के हेल्प से अपना फूड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आंसर होगा सन सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है डारविन सिप नेम वॉस आपको मालूम होगा कि डार्विन जो है पूरी दुनिया का जो है पाँच सालों तक जो है क्या कहता है पूरी दुनिया में घुमा था 1831 से लेकर 1836 पर और उसके जो सिप का जो नाम था वो था द बीगल करके तो ऑप्शन ए जो है इसका सही ना आ, सही ऑप्शन आंसर है विच ऑफ द फॉलोइिंग इज अ पॉलीमर ऑफ पीवीसी पीवीसी का पॉलीमर क्या है मिथिल क्लोराइड सी एच थ्री सी एल ए ऑप्शन सही है डायमंड एंड ग्रेफाइड आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कार्बन के ही क्या होते हैं वो आइसोटोप्स होते हैं ठीक है द ऑब्जेक्ट वुड बी प्लेस्ड टू ऑबटेन इट्स इमेज एस रियल एंड इफ सेम साइज बाई कॉन्वेक्स लेंस अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस में अगर सेम साइज का इमेज अगर हमें चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना पड़ेगा एच एन ओ थ्री को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड जो होता है ये एक स्ट्रांग -एक एसिड होता है ठीक है द हीट ऑब्जर्व टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट क्या होता है वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता बल्कि उसके फेस को क्या करता है चेंज करता है डैश इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन तो इथिलीन जो होता है वो हमारे गैसियस प्लांट हार्मोन्स होता है एट इक्वेटर इक्वेटर एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ठीक है सी टू एच फाइव ओ एच में जो है आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पहचानना है तो ओ OH एच मतलब क्या होता है एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट अगला है मैचिंग आपको करना है यहाँ पर देखो जो त, आपका टमरिड है इमली उसमें कौन सा एसिड होता है टर्टरिक एसिड होता है कार्बोनेट जो ओर होता है कार्बोनेट और लाइमस्टोन होता है क्रीडा जो होता है वो छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो थर्ड का ए मैच होगा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है जो प्रोड्यूसर जो होता है वो पहले ट्रॉफिक लेवल पर जो है आता है तो इससे इस तरीके से मैचिंग होगा पहला क्वेश्चन है टू मार्क्स का वॉट आर कॉल्ड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपको मालूम होगा कि कंपोनेंट्स जो होते हैं नेचर में दो टाइप का होता है जो हमने पढ़ा है बायोटिक और एबायोटिक तो आपको यहां पर दो नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है कि बायोटिक क्या होता है सेकेंड है वॉट आर फॉसिल फ्यूल्स गिव वन एग्जाम्पल तो फॉज़िल फ्यूल्स क्या होता है जो डेड एनिमल्स जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं जब वो जमीन के अंदर में क्या होते हैं दब जाते हैं और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो क्या होते हैं दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो इससे जो हमें एनर्जी मिलती है लाइक पेट्रोल डीजल कोल यही हमारे क्या होते हैं फॉजिल फ्यूल होते हैं ठीक है और फॉजिल फ्यूल का एक एग्ज़ाम्पल को लिखना आपको लिख सकते हो पेट्रोल लिख सकते हो डीज़ल लिख सकते हो नेचुरल गैस लिख सकते हो अब यहाँ पर एक बोला है तो एक ही नहीं लिखना अब दो लिखोगे तो भी चलेगा नेक्स्ट है सुरेश इज़ अ विज़ुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट विच इंडिकेटर्स कैन ही यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस तो हमने एसिड और बेस वाले में पढ़ा है कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास लिटमस पेपर होता है और भी अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन अगर सुरेश का सुरेश अगर जो है क्या है वो विज़ुअली इम्पेयर्ड है तो क्या कर सकता है कलर चेंज को तो नोटिस नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा स्मेल के थ्रू करेगा हमने पढ़ा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जैसे अनियन होता है अनियन में हम सब्सटेंस को डालते हैं तो उसका स्मेल क्या होता है चेंज हो जाता है तो बाय द मेथड ऑफ स्मेलिंग वो क्या कर सकता है एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट कर सकता है ठीक है मोलासिस क्या होता है जब हम लोग सुगर केन से अगर हम लोग जो है शुगर केन से अगर उसका जो जूस निकालते हैं वही हमारा एक तरीके से क्या होता है मोलासिस होता है डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस पूछा है ऑस्मोसिस क्या होता है जो वाटर जो होता है वो थीन लेयर से किसी सब्सटेंस के अंदर में एंटर करता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट है व्हाट इज स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट हीट क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है तो किसी वन ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी हीट की जो नीड होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट का एस SI यूनिट जो है आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है ठीक है उसके बाद सेकेंड है हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ प्लेन मिरर अ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बाई ऑब्जर्विंग इमेज फॉर्म बाई देम तो जो प्लेन मिरर है उसमें जो ऑब्जेक्ट के साइज का ही क्या बनेगा इमेज बनेगा तो द साइज ऑफ इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द साइज ऑफ इमेज देन इट विल बी अ प्लेन मिरर ठीक है उसके बाद कॉन्केव मिरर जो कॉन्केव मिरर जो होता है वो हमेशा क्या करता है या तो ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बनाता है या उससे हमेशा छोटा इमेज बनाता है जबकि कॉन्वेक्स जो होता है वो हमेशा क्या करता है मोस्ट ऑफ द केस वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और बड़ा इमेज जो है प्रोड्यूस करता है तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जब हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक फ़ील्ड में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ़ील्ड में जब हम चेंज करते हैं किसी वायर के साथ एक्सपेरिमेंट करके तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है वहाँ पर एक सडनली जो है करेंट प्रोड्यूस होता है उसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इज ऑस्टर्ड मैंने बताया था कि साइंटिस्ट कौन है ये ऑस्टर्ड ने जो है इसको या फेराडे का भी नाम लिख सकते थे सबसे पहले ऑस्टर्ड ने देखा था लेकिन बाद में जो है माइकल फेराडे ने इसको क्या कहता था इंडक्शन को अच्छे से डिफाइन किया था ठीक है वट इज कॉल्ड स्पेसिस टेक्सोनोमी एक्सप्लेन विथ टू एग्ज़ाम्पल आपको टेक्सोनॉमी क्या होता है आपको बताना है कि स्पेसीज़ के हम नोवेन्चर करते हैं साइंटिफिकली और दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं तो तीन नंबर के ये अलग अलग क्वेश्चन है बाकी फोर फोर मार्क्स के जो क्वेश्चन हो तो एज इट इज़ आपके सेम है ठीक है इसके कुछ देर बाद जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगा सेट बी का जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएगा मैं उसके आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा ठीक है